हम लोग घर में दोनों भी कमाने वाले हैं, तो मैं पेंशनर हूँ और मेरे शोहर भी जॉब पर हैं, तो अगर हम लोग एक ही कुर्बानी करें और दोनों आधा आधा पैसा डालें तो चलेगा? जी सर, देखिए, कुर्बानी जो है ये आपके शौहर के लिए सुन्नते मौकदा है, क्योंकि आपका जो है नानो नफका वो आपके शौहर के ऊपर वाजिब है। गोया कि आप अपने शौहर के नानो नफका के तहत हैं। अब उनके अंडर जितने लोग भी आते हैं, बीवी बच्चे या और भी लोग अगर हैं, तो तमाम लोगों की तरफ से वो कुर्बानी करेंगे। एक कुर्बानी मालिक वो होंगे, कुर्बानी करने वाले वो होंगे, सवाब में सारे लोग शरीक होंगे। अब अगर आप दोनों आदमी उसमें पैसा लगा रहे हैं, तो जी गोया कि आधी बकरी आपकी हुई, आधी बकरी उनकी हुई। ऐसी सूरत में कुर्बानी नहीं होगी। इसके होने की सूरत यह है कि या तो वो आधा पैसा जो आप दे रही हैं, जो आप पे कर रही हैं आधी कीमत, अपने शौहर को उसको हेबा कर दें, हदिया कर दें, यानी उनको मालिक बना दें कि ये पैसा अब आपका हुआ। या तो जी आपके शौहर यही काम करें कि वो जो पैसा आधा लगा रहे हैं वो आपको उसका मालिक बना दें, यानी उस कुर्बानी का मालिक एक ही इंसान को होना चाहिए। क्योंकि अगर दो लोग आधे आधे के मालिक हैं तो पूरी कुर्बानी नहीं हुई, आधी कुर्बानी हो गई ना, आधी आपकी हो गई, आधी उनकी हो गई। जबकि कुर्बानी तो पूरे जी जानवर की होती है। तो अगर दो आदमी पैसा लगा रहे हैं एक कुर्बानी में और दोनों आधे आधे के मालिक हैं, ऐसी सूरत में वो कुर्बानी नहीं होगी। और ये गलती कई सारे लोग करते हैं, पैसा इकट्ठा करके कुर्बानी करते हैं। ठीक है, आप पैसा जी इकट्ठा कीजिए, लेकिन वो उस पैसे का मालिक किसी एक आदमी को बना दीजिए, उसको हेबा कर दीजिए, तभी वो कुर्बानी होगी, वरना वो कुर्बानी नहीं होगी, क्योंकि आधी आधी हो गई।